घाटपिपलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 वर्षों से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को घाटपिपलिया पुलिस ने देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 5 बाइक भी बरामद की है। बागली अनुविभाग की घाटपिपलिया पुलिस को 6 वर्षों से फरार 10,000 का इनामी बदमाश संतोष उर्फ सुरेंद्र पिता मोदसिंह निवासी ग्राम लिम्बोदा को देसी एक कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर 5 बाइक भी बरामद की गई। घाटपिपलिया थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने आज बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी को ग्राम देवगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एक अन्य आरोपी बबलू की तलाश की जा रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इसकी काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। मार्च के महीने में पुलिस अधीक्षक देवास ने इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, तो हमने इसको पकड़ने के लिए मुखबिर तंत्र का सहारा लिया और फाइनली कल हमने इसको देवगढ़ गाँव से इसको गिरफ्तार किया। और जब इसको पकड़ा तो इसके पास एक 12 बोर का देसी कट्टा लोडेड मिला और ये जिस मोटरसाइकिल से था वो मोटरसाइकिल, इसके अलावा अन्य मोटरसाइकिल जो चोरी की थी इससे कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल बरामद की। सर, इससे वाहन चोरों की भी शंका है क्या, कुछ जुड़ा हुआ होने? देखिए, इसके साथ में इसका एक बबलू करके लड़का है, माकवान थाना का नांदेड़ का निवासी है, वो और गिरफ्तार होना शेष है और उसकी भी गिरफ्तारी करके इसका PR लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।